मम्मी जी, क्या आपको पता है लाइट्स कहाँ है? बिल्कुल पता है, आओ मैं दिखाती हूँ। हम आज एक खास खुशी का दिन मना रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? अक्सर हमारे दोस्त, परिवार और पड़ोसी देखने में तो ठीक लगते हैं, पर कभी कभी वो ठीक नहीं होते, क्योंकि जो कुछ उनके घर में हो रहा होता है, इस बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं, क्या आपके घर या परिवार में कोई पैसा नियंत्रित कर रहा है? क्या वो दहेज की मांग कर रहे हैं? क्या वो नियंत्रित करते हैं कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे करते हैं? क्या वे आप पे नजर रखते हैं कि आप क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं? क्या आप अकेला महसूस करते हैं क्योंकि वो आपको बाहर जाने से या अपने परिवार से या दोस्तों से मिलने से रोकते हैं? क्या उन्हें गुस्सा आता है जब आप वो नहीं करते जो वो आपसे चाहते हैं? क्या वो आपको ऐसी बातें कहते हैं जिनसे आपको भय लगता है या बुरा लगता है? क्या वो आपको शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं? क्या वो आपको भावनात्मक या यौन रूप से नुकसान पहुंचाते हैं? क्या आप असुरक्षित महसूस करती हो? यदि आपने इनमें से एक या अधिक सवालों का जवाब हाँ में दिया है, तो इसका मतलब आप पारिवारिक हिंसा को महसूस कर रही हैं। यदि आप अपने परिवार या घर के किसी मेंबर के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हों, तो हो सकता है कि आप पारिवारिक हिंसा का प्रयोग कर रहे हों। कोई भी पारिवारिक हिंसा का प्रयोग कर सकता है। ये व्यक्ति आपका जीवन साथी, पूर्व जीवन साथी, माता पिता, सास ससुर, आपके परिवार का कोई भी किशोर या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप अपने घर या परिवार का हिस्सा मानते हो। पारिवारिक हिंसा स्वीकार योग्य नहीं है। पारिवारिक हिंसा ऑस्ट्रेलिया में गैर कानूनी है। आपको ऑस्ट्रेलिया में इस तरह रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप इस तरह रहें। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं। आप अपने बच्चों, आपके परिवारजनों और आपके समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अकेले होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में सहायता उपलब्ध है। अगर आप पारिवारिक हिंसा का सामना कर रहे हैं, तो आप भरोसेमंद दोस्त, पुलिस अधिकारी, जहाँ पारिवारिक हिंसा सेवा से बात करें। पारिवारिक हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें कभी आपकी गलती नहीं होती। सहायता मांगने में कोई बुराई नहीं है, इससे आप अपने समुदाय को शर्मिंदा नहीं करेंगे। आप फोन, ईमेल, वेबचैट या फिर आमने सामने पारिवारिक हिंसा सेवा के साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप दुभाषी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह निःशुल्क है और आपकी जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। यदि आप पारिवारिक हिंसा का अनुभव कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, और अगर आप पारिवारिक हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सहायता लें। ये सोचिए, यदि आपके घर में पारिवारिक हिंसा ना होती तो आपका जीवन कैसा होता? आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी का निर्माण कर सकते हैं। आप एक अच्छे और सेहतमंद ज़िंदगी के हकदार हैं। आइए मिलकर बदलाव लाएं। यदि आप या आपका कोई जानकार पारिवारिक हिंसा का अनुभव कर रहा है, तो आप सहायता ले सकते हैं। आप 1800 रिस्पेक्ट या 1800-737-732 पर कॉल कर सकते हैं, या 1800respect.org.au पर जाएं, या आप अपने लिए सही सहायता पाने के लिए dpvhealth.org.au पर भी जा सकते हैं।
यदि आप पारिवारिक हिंसा का उपयोग कर रहे हैं तो आप द मेंस रेफरल सर्विस को 1300-766-49 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप तत्काल खतरे में हैं तो 000 पर कॉल कीजिए।